होमगार्ड में विभिन्न पदों पर बहाली के लिए वर्ष 2016 में वैकेंसी आई थी। इसमें 1029 लोग चयनित हुए थे। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। रक्षा वाहिनी में धोबी, मिस्त्री, ड्राइवर, प्लम्बर, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई पदों के 1029 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इन तमाम पदों के करीब 3000 लोगों ने आवेदन दिया था। सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। इन्हें इंतजार नियुक्ति पत्र मिलने का है, जिसके लिए ये 4 साल से लगातार गुहार लगा रहे हैं। सारे लोग जितने भी गृह रक्षा वाहिनी में चयनित उम्मीदवार जो है, जिसका सारा परीक्षण पूरा प्रक्रिया पूरा होते हुए आज 4 साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक किसी को परीक्षण दिया नहीं गया, ट्रेनिंग में किसी को भेजा नहीं गया है। और चूंकि लॉकडाउन भी चल रही है और सभी आस लगाए बैठे हैं कि कहीं हमारे हाथ से ये नौकरी चला न जाए या बेरोजगार हम लोग होने जाए, इसीलिए सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि सरकार कोई अपना एक प्रतिक्रिया निकाले, एक आश्वासन दे ताकि हम लोग का हौसला बना रहे। हालांकि अब सरकार नहीं है तो उम्मीद एक बार फिर जगी है। हम लोग का गृह रक्षा वाहिनी का जो वैकेंसी निकला था उसका 4 साल हो गया सर। अभी उसमें 4 साल में कल हम लोग को उम्मीद केवल दिया जा रहा है कि हो जाएगा, लेकिन आज तक अब कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 4 साल के बाद भी हम लोग का कुछ हो जाए। हम लोग इतना उम्मीद लेकर आज तक बैठे हैं और हो जाना चाहिए। और हेमंत सोरेन भी बोले हैं कि इस बार हो ही जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के वजह से हम लोग अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। परीक्षा पास करने का परीक्षा फल मिलेगा, इन अभ्यर्थियों ने भी यही सोचा था, लेकिन 4 साल का इंतजार कोई छोटा इंतजार नहीं होता। लिहाजा अब इनकी पीड़ा वक्त के साथ बढ़ रही है। अब हेमंत सरकार पर उनकी उम्मीदें टिकी हुई है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए अंजनी कुमार की रिपोर्ट।